दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह भिदोड़ी ने रोड शो के बाद चुनाव अधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। रामवीर सिंह भिदोड़ी ने नामांकन पत्र जमा करने से पहले लाड़ूसराय से साकेत स्थित डीएम ऑफिस तक विशाल रोड शो निकाला। इस जुलूस में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं समेत हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। नामांकन से पहले भिदोड़ी ने श्री गोपाल मंदिर में माथा टेका और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया। जानकारी के मुताबिक रैली में शामिल हुए लोगों के हुजूम का आलम यह था कि रैली का एक सिरा लाड़ूसराय में था और दूसरा सिरा साकेत में पहुंच चुका था। रैली में प्रत्याशी रामवीर सिंह भिदोड़ी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डॉक्टर अलका गुर्जर और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने खुले ट्रक में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इंडिया गठबंधन के आप और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी केवल भ्रष्टाचार को छिपाने, अपने परिवारों को बढ़ाने के लिए उतरे हैं, जिनका बीजेपी के उम्मीदवारों से कोई मुकाबला नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी कार्यकर्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथों के साथ थोड़ा भारी मतों के अंतर से जीत रहे हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट पड़ा। इस बार मोदी जी की लीडरशिप में 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को पड़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, दिल्ली की जनता ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का चुनाव लड़ रही है, क्योंकि मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक ऐतिहासिक विकास के कार्य किए, अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं उन्होंने चलाई है, पूरी दुनिया में निर्देशन भारत का गौरव बढ़ा है। वो हमारी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है मोदी जी के नेतृत्व में। आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर होगी। और मोदी जी का देशवासियों की सभी की ये इच्छा है, प्रबंधित करिए, व्यवस्थित करिए, भारत राष्ट्र बने, उसके लिए मोदी जी आदरणीय प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी के सामने दूर दूर लोकसभा कोई नेता सभी कार्यकर्ताओं को रास्ते से हटाइए दावेदार नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 400 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। आज मैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहा हूं। पूरी साउथ दिल्ली ऐसा लगता है जैसे यहां उमड़ पड़ी है। सड़कों पर कहीं खड़े होने के लिए जगह नहीं है। अलग अलग प्रांतों के लोग साउथ दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली मिनी इंडिया है। अलग अलग प्रांतों के लोग अपनी वेशभूषा में सज धज कर आज के इस नॉमिनेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सभी को बधाई देना चाहता हूं। लाड़ूसराय चुनाव कार्यालय पर एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों का उत्साह देखकर स्पष्ट पता चलता है कि दक्षिण दिल्ली संसदीय सीट से बीजेपी भारी मतों से विजयी होने जा रही है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।